अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना भाई हयात मोहम्मद एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। क्या हाल है? सब ठीक हैं, फिट हैं? आज थोड़ा स्पेशल वीडियो तो नहीं है कोई ख़ास, बस ऐसे ही थोड़ा बिजी था मैं, जिस वजह से सुबह की वीडियो नहीं बना सका। मौसम भी आज बेहतरीन बना हुआ है, VIP मौसम बना हुआ है। मेरा दिखाऊँ, ये काम चल रहा था मेरा, ये काम कर रहा था, जिसकी वजह से आज सुबह की वीडियो मैं नहीं बना सका। ये चेक करें, ये काम चल रहा था, इस वजह से वीडियो नहीं बना सका। तो अभी टाइम मिला तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। अभी तो वैसे मैंने परिंदे भी छोड़े हुए हैं, बाहर सारे घूम रहे हैं। वैसे दिखाता हूँ फिर भी आपको, चले हैं, चलते देखते हैं आपको दिखा। ये जी गोल्डन की मुर्गी है और ये वाइट गिनी फोल, एक ये खड़ी हुई है, ये एक फूल वगैरह मेरे, और ये जी ब्लैक वाला मेल जो है वो खड़ा हुआ है, साथ में ये मेरी मुर्गियाँ घूम रही हैं रोड के पास डी में, फूलों वाली क्यारी में। एक ये देखें इलायची का पौधा मेरा, इसने माशाल्लाह बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग की हुई है, फ्लावरिंग हो रही है, अभी फ्रूटिंग नहीं हुई, फ्लावरिंग हो रही है इस साल, माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है ये। इसके बाद जनाब चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। ये जी बैठा हुआ है मेरा शेरू, इसको मैं शेरू बोलता हूँ क्योंकि ये बड़ी बदमाशियाँ करता रहता है, सबको मारता है, मुर्गियों को, गिनी फोल को, बच्चों को, किसी को भी नहीं बख्शता, सबको मारता है ये। जनाब हमारा केज पैरट्स वाला, अंदर चलते हैं दिखाता हूँ मैं आपको पैरट्स भी, साथ में एक वीडियो अटैच करूँगा मैं छोटे बच्चों की। सुबह थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई थी बच्चों की, जब मैंने उनको बाहर निकाला था ना फीड देने के लिए, तो वो तब मैंने वीडियो बनाई थी। ये सुबह का जनाब इनको जो दाना वगैरह डाला था, ये आधे से ज्यादा खा चुके हैं, ये देखें, ये ऐसे खाते हैं ये पैरट्स ना, कुतर कुतर के खाते हैं। ये बाजरी वैसे की वैसी पड़ी हुई है, इसको तो अब लेट हो जाता हूँ ना जिस दिन में, मतलब ये वाली खुराक नहीं डाल सकता, या कोई सब्जी नहीं डाल सकता, कोई फ्रूट नहीं डाल सकता, तो तब वो इसको खाते हैं। उसके बाद जी ये ग्रीन रिंग, ये फीमेल बहुत चिल्ला रही है क्योंकि ये फुल लोडेड है, अंडे देने वाली है, इस वजह से अंदर आया हूं ना तो वो थोड़ी चिल्ला रही है डर के मारे। बच्चों की सिचुएशन देखते हैं, बच्चे की हालत में माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ जा रही है इनकी, बहुत ही अच्छी ग्रोथ जा रही है, क्योंकि इनको खाना पीना बेहतरीन मिल रहा है, उस वजह से माशाल्लाह इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है। तो ये आगे मैं एक वीडियो अटैच करूँगा, छोटे वो जो मग डक है मेरी मस्कवी, उनके बच्चों की वीडियो, वो भी देख लीजिएगा, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा, आगे मैं अटैच कर दूंगा वीडियो में ना। ये जनाब वो छोटे छोटे बच्चे हैं मग के जो मैं आपको बता रहा था, ये माशाल्लाह बहुत ही क्यूट हैं, सॉफ्ट बहुत ज़्यादा हैं, इनको हाथ में उठाओ तो ऐसे लगता है जैसे रुई, बल्कि रुई से भी ज़्यादा सॉफ्ट है ना ये, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए रखें, सही सलामत ये बड़े हो जाए इंशाल्लाह, ये बड़े होंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये बहुत ही माशाल्लाह एक्टिव है। अभी फर्स्ट ब्रीड थी इनकी माँ की, तो वो थोड़ा तवज्जो कम देती है, कभी वो बाहर चली जाती है तो बच्चे अंदर खड़े रहते हैं, कभी वो अंदर आ जाती है तो बच्चे बाहर खड़े रहते हैं, अंडे सारे बाहर को हैंडल कैसे करना है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा बड़े होंगे तो अपने माँ बाप के साथ ही रहेंगे, अभी भी चलते साथ ही हैं। सॉरी दोस्तों, कॉल आ गई थी मेरी, अर्जेंट कॉल थी थोड़ा, तो इस वजह से मैं वीडियो ब्रेक कर गया था,
तो आज थोड़ी सी वीडियो बनाई है मैंने, थोड़ा टायर्ड था मैं इस वजह से थोड़ी सी वीडियो बनाई है। बाकी ठीक है, कल इंशाल्लाह इंशाल्लाह तफसीलन वीडियो बनाऊंगा। और घर वाली जो मुर्गी है उसकी भी वीडियो नहीं डाल सका, छोटे चूजू वाली वो वीडियो भी नहीं बना सका क्योंकि आज घर जा ही नहीं सका मैं, काफ़ी काम था इस वजह से नहीं जा सका। तो इंशाल्लाह एक मैंने बकरा भी लिया है ईद के लिए, उसको अभी से तैयार करना है क्योंकि जो मज़ा हाथ से पले हुए जानवर को ज़िबा करने में आता है, जो सवाब मिलता है वो खरीदे हुए में, वैसे तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानने वाली है जो कबूल कर ले, लेकिन मज़ा तभी आता है जब आप बकरा खुद ख़रीदें कुछ अरसा पहले, उसको खिलाएं पिलाएं उसकी खिदमत करें, जब उसका दिल आपके साथ लग जाए आपका दिल उसके साथ लग जाए तो उसको ज़िबा करने में जो सवाब मिलता है वो बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, क्योंकि कुर्बानी हमेशा कुर्बानी, जिसका नाम भी कुर्बानी है, देख लें ईद ईद का नाम ही कुर्बानी की ईद है। तो कुर्बानी शायद आप लोग मुझसे ज़्यादा समझते होंगे कुर्बानी का मतलब, कुर्बानी का मतलब क्या है, कुर्बानी का मतलब ही यही होता है कि भी कुर्बानी मतलब अपनी प्यारी चीज़ को खो देना, अल्लाह की राह पे बांट देना, ज़िबा कर देना, या जैसे भी समझ लें बेहतर समझते हैं कुर्बानी का मतलब, जो मुझे पता था मैंने बोल दिया। चलो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।